हेलो एवरीवन, तो आज जिस प्लेस पे आपको घुमाने वाले हैं, आई थिंक 90% लोग जो हैं उसके बारे में जानते होंगे, वो है हिडिंबा टेंपल। मनाली बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही प्राचीन है। तो मेरे पीछे एक व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ मंदिर का। भीड़ बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। पूरी रात बारिश होने के बाद जो है अब थोड़ा मौसम साफ हुआ है, तो हम मंदिर आए हैं। यहाँ पे स्नो यहाँ पे नहीं गिरी है, स्नो अपर जो पहाड़ियाँ हैं, अपर माउंटेन्स जो है उन पर ही आपको देखने को मिलेगी। तो करते हैं आज का हमारा सफर शुरू। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं रास्ता जिससे आप पहुंच जाएंगे हिडिंबा माता टेंपल। तो ये जो रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से एक रास्ता जाता है मनु टेंपल और ये वाला रास्ता जाता है हिडिंबा माता, पड़ता है ओल्ड मनाली यानी कि पुरानी मनाली में। बहुत ही खूबसूरत ये रास्ता है, देवदार के बड़े बड़े से पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एडवेंचरस गेम्स आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर याक राइडिंग आप कर सकते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। हिमाचल की जो कुल्लू की स्पेशली ट्रेडिशनल ड्रेस है उसके अंदर बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस के ऊपर आपको मिल जाएंगी। यहाँ से आपको दो तीन रास्ते हैं मंदिर जाने के लिए, पार्किंग आपको मिल जाएगी जहाँ पर आप गाड़ी जो है वो खड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो पैदल रास्ता है आई थिंक आधा किलोमीटर का रास्ता है और सर्दियों में यहाँ स्नोफॉल होती है। अभी भी मौसम जो था काफ़ी ठंडा था क्योंकि यहाँ पर जो थी बारिश हुई थी और मौसम जो था बहुत ही यहाँ पे ठंडा ठंडा था, और इतना ठंडा बोल सकते हैं जितना अब लोअर हिमाचल में दिसंबर और जनवरी में ठंडा होता, उतना ठंडा मौसम था यहाँ पर। हम गए थे मार्च लास्ट 30-31 के आसपास, मतलब अप्रैल स्टार्टिंग थी, इतना ठंडा यहाँ पर मौसम था। तो इतना खूबसूरत ये प्लेस है, जंगल के बीच में है। कैसे ये मंदिर बना, किसने ये बनाया वो आपको बता देते हैं। तो ये जो मंदिर है इसको बनाया गया था राजा बहादुर सिंह द्वारा 1553 में, और ये जो मंदिर है एक गुफा के चारों ओर बनाया गया है जहाँ पर देवी हिडिंबा जो थी ध्यान लगाया करती थी और अपने भाई हिडिंब के साथ यहाँ रहा करती थी। तो ये बहुत ही प्राचीन और खूबसूरत सा मंदिर है। अंदर जब आप जाएंगे तो आपको एक गुफा देखने को मिलेगी जिसके अंदर नीचे जो है माता की एक प्रतिमा है और उनके फुटप्रिंट्स हैं जिनको आज भी आप लोग जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। अंदर की वीडियो नहीं बना सकते हैं इसलिए बाहर बाहर का मैंने कवर किया है, अंदर आप तभी देख पाएंगे जब आप यहाँ पर घूमने आएंगे। तो आप सामने देख सकते हैं मंदिर किस तरह का, पूरा सा पूरा का पूरा मंदिर जो है ये लकड़ी का बना हुआ मंदिर है और लगभग 500 साल पुराना ये मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत ये प्लेस है। यहाँ पे ये पूरा व्यू एक बार आपको दिखाना चाहूँगी, और ये है मंदिर जो इस तरह से लकड़ी का बना हुआ है और इसके बाहर आप देख सकते हैं ऐसा लगता है जैसे मरे हुए जानवरों के जो कंकाल हैं, मुंह सींग वगैरह जो हैं वो असली ही लगाए गए हैं। कुछ एक को देख के लगता है कि ये लकड़ी के हैं और बाकी सारे के सारे ओरिजिनली आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कहा जाता है या मान्यता है कि जब वनवास के टाइम यहाँ पर पांडव आए थे तो उस टाइम पे जो हिडिंब था उसको भीम द्वारा हराया गया था युद्ध में, और हिडिंबा जो माता थी उन्होंने कसम खा रखी थी कि जो उनके भाई को युद्ध में हराएगा उसी के साथ जो है वो विवाह करेंगी। तो उसके साथ जो भीम थे, महाबली भीम, उनके साथ उन्होंने शादी कर ली और उनका एक बेटा भी हुआ था घटोत्कच। तो उसके बाद से जब पांडव यहाँ से चले गए थे तो माता हिडिंबा के हाथों में जो था कुल्लू मनाली का जो सारा राज्य था ये सौंप दिया गया था। तो तब से माता हिडिंबा जो हैं मनाली कुल्लू की रक्षा करती आई हैं और बहुत फेमस हुआ था ये मंदिर जब अभी फ्लड आया था हिमाचल में जुलाई महीने में, तो काफ़ी चर्चा में रहा था उस टाइम पर ये मंदिर। इस तरह के यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मंदिर के बाहर ये मरे हुए जानवरों के सींग वगैरह रखे गए थे यहाँ पे, और ये पूरा व्यू है मंदिर का। और ये मंदिर जो है पेगोडा शैली में बनाया गया है। पेगोडा शैली यही होती है जैसे आप सामने देख रहे हैं, ऊपर गुंबद जैसा बनाया जाता है और नीचे शेड जो है वो बनाई जाती है, इसको पेगोडा शैली बोला जाता है हिमाचल में। ये है, और ये प्लेस बता देती हूँ मैं, डुंगरी जगह है ये।
डुंगरी नाम है इस प्लेस का। और यहाँ पर डुंगरी फेयर भी लगता है श्रावण महीने में, यानी कि बरसात के टाइम पे एक मेला लगाया जाता है, और वो मेला समर्पित है महाराजा बहादुर सिंह को, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बहुत खूबसूरत प्लेस है, जंगल के बीचों बीच है, और यहाँ जो गुफा है उसी के अंदर जो थी हिडिंबा माता और उनका भाई हिडिंब जो थे वो रहते थे। तो कम्प्लीट ये स्टोरी है हिस्टोरिक हिसाब से महाभारत काल से जोड़कर जो है इस मंदिर को देखा जाता है। तो ये भी एक रास्ता है जिससे आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं, जो ये स्टेयर्स वाला रास्ता भी आप देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ से आता है और हम ऊपर वाले रास्ते से आए थे। तो पूरा व्यू है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर ड्रेस डाली हुई है ट्रैवल हिमाचल पूजा ने, और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे लग रहे हैं। मैंने इनको जब पहली बार ऐसे देखा ना इस ड्रेस में, तो मुझे लगा वाओ कितने सुंदर क्यूटू लग रहे हैं। ईशानी थोड़ा स्माइल करो, पूजा जरा ऊपर मुंह करना, ऐसे स्माइल करो, वेरी गुड। हाँ मैं सच में ये कहता हूँ कि मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लगा आज का ये सफ़र जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी लोकेशन के साथ, और हिस्टोरिकल मोमेंट जो होते हैं या किसी प्लेस की जानकारी जो होती है उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।